आज के वीडियो में आपको आलिया भट्ट के डार्क और अननोन सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे जो आपको पहले से पता नहीं होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें। आलिया एक स्टार किड है और आजकल पब्लिक के क्रिटिसिज्म का शिकार है क्योंकि लोगों को लगता है कि उन्हें स्टार किड होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिलता है। यूं तो आलिया बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट थी और उन्हें स्टडीज का बिल्कुल भी शौक नहीं था। आलिया कभी कॉलेज भी नहीं गई है। आलिया हमेशा से ही बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उन्हें स्कूल के बाद ही अपनी डेब्यू मूवी मिल गई। आलिया भट्ट की डेब्यू मूवी करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी। आलिया की डंपनेस की एक वजह उनकी लेस एजुकेशन और स्टडीज में इंटरेस्ट ना होना है। आलिया का रिलेशन भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आलिया मुस्लिम है या हिंदू यह किसी को भी नहीं पता। आलिया के फादर महेश हिंदू हैं और आलिया की मदर सोनी राजदान मुस्लिम है, इसलिए ये कंफ्यूजन और भी ज्यादा है। आलिया अपने फादर का सरनेम यूज करती हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि वो हिंदू हैं। मगर आलिया के फादर महेश भट्ट सोनी राजदान से शादी से पहले अपना रिलीजन कन्वर्ट कर चुके हैं। आलिया फादर और मदर दोनों के रिलीजन को फॉलो करती हैं। आलिया की लव लाइफ भी हमेशा ही काफी कंट्रोवर्शियल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया का फर्स्ट बॉयफ्रेंड 10th स्टैंडर्ड में था, जिसको आलिया ने 2 साल डेट किया और फिर आलिया ने इसे छोड़ दिया क्योंकि वो काफी कंट्रोलिंग था। आलिया का कहना है कि वो इतना कंट्रोलिंग था कि वो आलिया के ड्रेसेज भी चूज करता था कि आलिया क्या पहनेंगी, और ये बात आलिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बॉलीवुड ज्वाइन करने से पहले आलिया का रिलेशन अली दादरकर के साथ था, जो कुछ साल चला और फिर आलिया को बॉलीवुड में मूवी की ऑफर हुई तो उन्होंने अली दादरकर को डंप कर दिया। बॉलीवुड ज्वाइन करने के बाद आलिया का रिलेशन सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी रहा, जो उनके डेब्यू मूवी के को एक्टर थे। आलिया ने सिद्धार्थ को भी छोड़ दिया अपने क्रश रणबीर कपूर के लिए और आलिया रणबीर कपूर को डेट कर रही थी। आलिया एक स्टार किड है जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म की एक प्रोडक्ट है। स्टार किड होने की वजह से आलिया भट्ट के लिए मूवीज में काम मिलना काफी आसान था, मगर आलिया ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करती और जब भी उनसे ये पूछा जाए तो इस कोशिश को वो अवॉइड करती हैं या फिर वो जवाब देती हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म एक्सेप्ट नहीं करती। आपको आलिया के बारे में ये सब जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा।